जहरीले बोल के लिए हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का नाम यूं ही बदनाम नहीं है। इस पार्टी में एक से बढ़कर एक नेताओं की भरमार है, जो जहरीले बोल बोलने में पीछे नहीं रहते, फिर वो चाहे खुद असदुद्दीन ओवैसी हो या उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी या फिर AIMIM के UP अध्यक्ष शौकत अली, जिन्होंने इस बार जुबानी मर्यादा लांघते हुए हिंदुओं और साधुओं के खिलाफ इस कदर जहर उगला कि मोदी विरोधी माने जाने वाले दिग्गज पत्रकार राजदीप सरदेसाई का भी गुस्सा भड़क गया और उन्होंने तो सीधे ओवैसी को चुनौती दे डाली। अगर कोई बीजेपी नेता किसी खास समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान देता है तो असदुद्दीन ओवैसी पूरा आसमान सिर पर उठा लेते हैं और मुस्लिमों के सबसे बड़े हिमायती होने की कोशिश में खूब बयानबाजियां करते हैं। लेकिन आज जब उनके अपने खास नेता और AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बोला तो ओवैसी ने इस कदर चुप्पी साध ली कि इस नेता के खिलाफ कार्रवाई करना भी सही नहीं समझा। यही वजह है कि अब राजदीप सरदेसाई जैसे देश के दिग्गज पत्रकारों को भी आवाज उठानी पड़ी। दरअसल ओवैसी के खास नेता शौकत अली ने यूपी के जिला संभल में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से हिंदुओं के खिलाफ खूब जहर उगला और बयान दिया कि तुम हमें धमकी दे रहे, तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 सालों तक हमने हुकूमत की है, तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ पीछे बांधकर जी हुजूर करते थे, हमने तुम्हारी बहन को मलिकाए हिंदुस्तान बनाया था, जोधाबाई कौन थी, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है, अरे अकबर ने शादी की जोधाबाई से, जोधाबाई को मलिकाए हिंदुस्तान बनाया, इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई, सेक्युलरिज्म के आलम बरदार तो हम है ना। शौकत अली यही नहीं रुके, उन्होंने साधुओं के खिलाफ भी जहर उगलते हुए कहा हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं, ये कह रहे हैं, एक खड़ा होकर साधु कह रहा है इनको काट काट के फेंक देंगे, अच्छा हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं, साधु साहब अगर आप मुसलमान के गुस्से वाली शक्ल अकेले देख लेंगे ना, संडास और पेशाब दोनों निकल जाएगा, तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, हमें मालूम है कि तुम किसके जोकर हो। साधुओं के बारे में ओवैसी के नेता ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसे हम पत्रकारिता की मर्यादा रखते हुए आपको नहीं बताना चाहते, लेकिन इन नेताओं की जहरीली और अभद्र भाषा के बारे में अगर हम नहीं बताएंगे तो शायद ऐसे नेताओं की गंदी जुबान के बारे में देश नहीं जान पाएगा और वो नहीं समझ पाएंगे कि ये नेता किस तरह से समाज में जहर उगलते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम कैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो, हमने तुम्हारी बहन को मलकाए हिंदुस्तान बनाया था, जोधाबाई कौन थी, हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है, अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को मलकाए हिंदुस्तान बनाया, और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई, सेक्युलरिज्म के आलम बरदार तो हम है ना, हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं, और ये कह रहे एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है इनको काट काट के फेंक देंगे, अच्छा हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं, साधु साहब अकेले में अगर शकल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना तो संडास और पेशाब दोनों कटा दो, और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है तुम किसके छोकर हो। ऐसा नहीं है कि समाज में जहर घोलने वाले ये नेता सिर्फ एक पार्टी में हो। कुछ ही दिनों पहले बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी मुस्लिमों का सामाजिक बहिष्कार करने की बात कही थी, लेकिन बस गनीमत ये थी कि उन्होंने किसी तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन शौकत अली ने जिस तरह की जहरीली भाषा का इस्तेमाल किया उसे सुनकर तो दिग्गज पत्रकार राजदीप सरदेसाई का भी पारा हाई हो गया। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, विराट हिंदू महासभा को जवाब देते वक्त AIMIM यूपी के नेता शौकत अली ने नफरती भाषण दिया, असदुद्दीन ओवैसी को उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर देना चाहिए,
पुलिस को भी उनके खिलाफ केस दर्ज करना चाहिए। सभी अभद्र भाषा, पार्टी या समुदाय के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए। नफरत से नफरत पैदा होती है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने शौकत अली के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग उठाई और इधर योगी सरकार की पुलिस ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया। दूसरे धर्म, साधु संतों और महिलाओं के खिलाफ बयान देने वाले शौकत अली के खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 295A और 188 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। संभल कोतवाली में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अक्षत अग्रवाल की तहरीर पर ये मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद राजदीप सरदेसाई ने एक और ट्वीट में लिखा, तो यूपी पुलिस ने AIMIM नेता शौकत अली के खिलाफ अभद्र भाषा के लिए आईपीसी की धारा 153, 295 के तहत केस दर्ज कर लिया। लेकिन प्रवेश वर्मा और विराट हिंदू महासभा के नफरत भरे भाषण पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं। ये अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक तुष्टिकरण का समय नहीं है। कानून की नजर में सभी बराबर होने चाहिए। पत्रकार राजदीप सरदेसाई का मानना है कि जिस तरह से शौकत अली के खिलाफ यूपी पुलिस ने केस दर्ज किया, उसी तरह से प्रवेश वर्मा और विराट हिंदू महासभा के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाना चाहिए। बहरहाल ओवैसी के नेता शौकत अली के बयान और राजदीप सरदेसाई की कार्रवाई की मांग पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम अपनी जान को अल्लाह सुभान व तआला के हवाले करते हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे हो। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना, हमसे बड़ा सेक्युलर कौन है? अरे अकबर ने शादी किया जोधाबाई से तो जोधाबाई को मलके हिंदुस्तान बनाया। और इनको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है भाई? सेक्युलरिज्म के अलम बरदार तो हम है ना, हम तो अपने साथ साथ तुम्हारे लोगों को भी ऊपर ला रहे हैं। और ये कह रहे, एक खड़ा होकर के साधु कह रहा है कि इनको काट काट के फेंक देंगे। अच्छा, हम गाजर हैं, हम मूली हैं, हम प्याज हैं? साधु साहब, अकेले में अगर शक्ल आप देख लेंगे गुस्से वाली मुसलमानों की ना, तो संडास और पिशाब दोनों का डालो। और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है हमको मालूम है, तुम किसके छोकर हो।